नमस्कार मित्रों, आज फिर से आपके सामने मुझे कुछ कहने का मौका मिल रहा है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का जो विषय मैं आपके सामने प्रस्तुत करना मांगता हूँ वो है एक अच्छी विश्वास की फाइट या विश्वास का युद्ध, गुड फाइट ऑफ फेथ या अच्छी कुश्ती, और वो अच्छी कुश्ती विश्वास की कुश्ती, और जिसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आत्मिक युद्ध। हमारे चारों तरफ हम देखते हैं कि कई प्रकार के लड़ाई झगड़े युद्ध होते हैं। देश एक देश दूसरे देश पर युद्ध करने की कोशिश करता है। बहुत सारे एनिमीज, जो शत्रु हैं, वो एक दूसरे के प्रति युद्ध करना मांगते हैं। और उसी प्रकार से ये तो हुआ पॉलिटिकल राज्यों या देशों के बीच में एक आत्मिक युद्ध, एक युद्ध की तैयारी। लेकिन उससे भी भयंकर, उससे भी बहुत सीरियस गंभीर युद्ध वो हो रहा है, और वो है आत्मिक युद्ध। कहने का मतलब है, आत्मिक युद्ध का मतलब हमारे आत्मिक जीवन में संघर्ष, लड़ाई, वो भी शैतान और उसके दूतों के साथ। हम जो प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां कहलाते हैं, वे और जो शैतान है, उसके जो बातें हैं जो हमें निराश करती है, हमें हराना चाहती, हमारे आत्मिक मसीह जीवन में वो हमेशा हमारे ऊपर अटैक करती, किसी न किसी प्रकार का अटैक होता रहता है। सो इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके सामने इस आत्मिक युद्ध की सच्चाई के बारे में कुछ बात करना मांगता हूँ। पहली बात हमें ये जानना है कि हमारा शत्रु कौन है, हमारा विरोधी कौन है। तो आइए हम देखें वचन में कि हमारा विरोधी कौन है, हमारा शत्रु कौन है जिसके साथ हमारी ये आत्मिक लड़ाई हो रही है। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 8वां पद। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 8वां पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर कि उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भोगते रहते हैं। तो देखिए, बाइबल वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार, हमारा जो विरोधी है वो शैतान और उसकी युक्तियाँ एक मसीही जीवन में आती हैं। वो नहीं चाहता कि हम प्रभु में बढ़ें, वो नहीं चाहता कि हम पापों पर विजय प्राप्त करें, और इसलिए वो तरह तरह के टेम्पटेशन, परीक्षाएं हमारे जीवनों में लाता है। मैं एक और पद आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय 19 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 19 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया है उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, जो बीज जो गिरा अलग अलग प्रकार के भूमि पर, एक भूमि जो थी जो कि झाड़ियों में थी और पत्थरों में थी, चिड़ियों के समान जैसे ये चिड़िया आती हैं और उस बीज को उठा करके ले जाती हैं, उसी प्रकार शैतान, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते, शैतान आता है और हमारे दिल से, हमारे मन से परमेश्वर के वचन उठाने की या भुलाने की कोशिश करता है। तो वो हमारा दुष्ट है, हमारा एनिमी है, हमारा शत्रु है,
और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में जान सकें। पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय 12 पद में हम देखते हैं, पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय और 12 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, सुनिए ध्यान से, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। सो आपको और मुझको एक अच्छी आत्मिक कुश्ती लड़नी है, एक अच्छा आत्मिक युद्ध को जीतना है जो हमारे विरोधी शैतान हमारे ऊपर लाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हम दूसरी बात देखते हैं, जो स्पिरिचुअल बैटल है या आत्मिक जो युद्ध है वो शुरू से ही स्ट्रांग हमारे पीछे शैतान पड़ा रहता है। इफिसियों उसका 6वां अध्याय और 12 पद, इफिसियों उसका 6वां अध्याय और 12 पद में लिखा हुआ है जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो युद्ध है, हमारी जो आत्मिक लड़ाई है, हमारी जो आत्मिक कुश्ती है, हमारा जो आत्मिक युद्ध है वो लोगों के साथ नहीं है, लीडरों के साथ नहीं है, लेकिन वो अनसीन अनदेखे पावर सामर्थ जो ईविल स्पिरिट बुरी आत्मा के द्वारा, शैतान के द्वारा, इस संसार के हाकिमों के द्वारा, उस दुष्ट के द्वारा होता है, उससे है हमारा। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए हमें आत्मिक हथियार की भी ज़रूरत है। एक और पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा, 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 3 से 5 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए कि हम क्या परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा ये जो युद्ध है वो शैतान के साथ है जो प्रभु यीशु मसीह का विश्वासियों का विरोधी है, और इसीलिए हम उन आत्मिक हथियारों को पहन लें। अगर आप देखें जनरली हमारी जो कल्पनाएं हैं, हमारे जो सोच विचार है वो ज़्यादातर बुरे बुरा ही होता है। जनरली मैं एक बात बता रहा हूँ, सब हर समय नहीं लेकिन ज़्यादातर, विशेष करके जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे तो ये बात और भी सच होती है। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और 5वां पद कि किस प्रकार से परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का जो सोच है, मनुष्य की जो विचारधारा है, कल्पनाएं हैं, वो बहुत बुरी होती हैं। तो इसीलिए हमें इससे अज्ञान नहीं रहना है और ये लड़ाई लड़नी है। तो आइए तीसरी बात देखें कि किस प्रकार से हम इस आत्मिक लड़ाई को लड़ सकते हैं और उसमें हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात हम देखें कि कैसे हम इस आत्मिक लड़ाई में आगे बढ़ें, और वो है हम सारे हथियार को अपने ऊपर बांध ले, आत्मा में बांध ले। हम पढ़ेंगे इसके लिए इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसका
छठवां अध्याय और उसका 10 से 18 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। ओके, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवन बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने मसीही जीवन में स्थिर रह सके। सो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से आत्मिक हथियार हैं जो हमारे आत्मिक लड़ाई में, आत्मिक युद्ध में सहायता कर सकते हैं। 14 पद, इफिसियों उसका 6वां अध्याय 14 पद, सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। जी हाँ मित्रों, मेरे दोस्तों, आशा है कि आप बहुत ध्यान से इन वचनों को सुन रहे हैं। तो हम देखते हैं ये है हमारे हथियार। मैं फिर से अब उसको आपके सामने रखना मांगता हूँ, विशेष करके 15वां 14 पद से, सो सत्य से अपनी कमर कस कर। जी हाँ मित्रों, हमें झूठ का सामना सत्य से करना है। आजकल दुनिया में धोखाधड़ी, विश्वासघात, आर्टिफिशियलिटी, कई चीज़ें हैं जो सत्य से परे हैं, अलग हैं। शायद आपके जीवन में कभी कभी ऐसी बात आ सकती है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ सफ़ेद झूठ बोला जाता है। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ। अगर हमें इस झूठ के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो हमें सत्य बोलना है, सत्य विचार रखना है। परमेश्वर का वचन सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, और इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह को, उस वचन को और भी कमर कस करके, बेल्ट अच्छी तरह से लगा करके, धार्मिकता की झिलम पहना। क्या बढ़िया हथियार है। हम झिलम इसलिए पहनते हैं ताकि जो तीर वीर इधर उधर आते हैं हम उसमें घायल ना हो जाए आत्मिक रीति से। धार्मिकता, हमारा जीवन एक धार्मिक जीवन हो, हमारा जीवन एक पवित्र जीवन हो, हमारे सोच विचार पवित्र हों, और इस प्रकार से लिखा हुआ है, और धार्मिकता की झिलम पहनकर। और फिर 15वां पद में, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। क्या बढ़िया लिखा हुआ है। जहाँ भी हम जाएं तो हम लोगों के बीच में मेल कराएं, अलगाव नहीं, भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, पति पत्नी के बीच में हम मेल का कारण बने। अगर कहीं पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो हम उसको सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि लिखा हुआ है हमें इस आत्मिक लड़ाई में मेल के सुसमाचार की तैयारी करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अन्य जाति हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उनका मेल सच्चे परमेश्वर से करा सके, उनको वो सुसमाचार सुना सके। मैं बताना मांगता हूँ, कल ही की बात है कि हमारे यहाँ कुछ लोग आए थे कुछ सामान कुछ रिपेयर करने के लिए, तो हमने उनसे कह दिया, वे अन्य जाति के लोग थे, हमने उनसे कहा कि, मैंने उनसे कहा कि भाई
हम विश्वासी हैं, मसीही हैं, क्रिश्चियंस हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। तो मैंने उन तीनों को परमेश्वर के अनुग्रह से वचन सुनाया और मैंने कहा कि परमेश्वर आपसे मेल करना मांगता है, आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करिए, अपने पापों से पश्चाताप करिए, क्योंकि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो मैंने उनको बताया, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने सच में प्रभु को ग्रहण किया, ये तो उनकी बात है, लेकिन हमारा और आपका काम, एक विश्वासी का काम है कि हम मेल के सुसमाचार परमेश्वर और लोगों के बीच में दूसरों जो सुसमाचार है उसको हम सुना सके, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। तो पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, ये हमारी आत्मिक लड़ाई है। और आगे देखते हैं, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। प्रियो, कभी आपके जीवन में शंका आती है, पता नहीं यार मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, पता नहीं क्या है, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, मैंने अभी तक कितना मेरे अपने बीमारी चल रही है उसका अभी तक चंगाई नहीं मिली, पता नहीं परमेश्वर है नहीं है। अरे साहब, ये अटैक कहाँ से आ रहे हैं? ये अटैक हमारे ऊपर शैतान से आ रहे हैं। वो शंका लाना मांगता है, डाउट लाना मांगता है, ताकि हमारा मसीह जीवन स्थिर न रहे, गिर जाएं हम, फिसल जाएं, और वो विजयी हो जाए, दुष्ट विजयी हो सकता है। सो इसीलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, विश्वास की ढाल। ये जो जलते हुए तीर आते हैं ना, शंकाओं के, डाउट के, उसको हम विश्वास से उसको गिरा सके। जी हाँ, उस विश्वास, वो अटूट विश्वास जो आपके और मेरे बीच में है, हम उसको और पहन के रखें, ढाल को। जैसे ही शंका आता है, डाउट आता है, एकदम से ढाल को आगे कर दे, नहीं, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर है, वो उसकी अपनी मर्जी है कि वो क्यों ऐसा कर रहा मेरे साथ, लेकिन मुझे स्थिर रहना है। जैसा लिखा हुआ है, उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जी हाँ, तभी हम और मैं और आप उस आत्मिक युद्ध में जयवंत हो सकेंगे, जब हम विश्वास से आगे बढ़ेंगे। एक बहुत अच्छी परिभाषा विश्वास की है, जो इब्रानियों उसके 11:1 में है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और पूरा अध्याय विश्वास के बारे में, किस प्रकार से पुराने समय में परमेश्वर के लोग विश्वास में दृढ़ रहे, स्थिर रहे, कई लोग मारे गए, काटे गए, आरों से काटे गए, कईयों को क्रूस पर चढ़ाया, विश्वास के साथ उन्होंने किया। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, हम जब भी डाउट आता है, जब भी लोग हमारे विरोध बोलते हैं, हमें उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, जीवित विश्वास कि प्रभु हमारी सहायता करेगा। डैनियल को जो सिंहों की मांद है उसमें डाल दिया गया था, लेकिन उसने इनकार नहीं किया परमेश्वर का, उसने कहा कि जिस परमेश्वर ने मुझे बचाया वो मुझे सिंहों से भी, शेरों से भी बचा सकता, और वही हुआ। हमारे और भी कई लोग आजकल के ज़माने में, साधु सुंदर सिंह के बारे में कहा जाता है कि उसको लोगों ने बहुत सताया, लेकिन वो विश्वास में दृढ़ रहा और अंतिम क्षण तक, मरण तक, मौत तक, वो एक विश्वास योग्य साधु रहा। सो हम उस विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहे, ताकि हम उस दुष्ट के, शैतान के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकें। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, उद्धार का टोप। जी हाँ, क्या आपने उद्धार पाया है? मेरी आशा है, क्योंकि ये मैसेज विशेष करके उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाए हैं।
सो उद्धार का टोप, अपने माइंड को परमेश्वर के वचन से लिप्त करें। वो उद्धार जो मेरा नए जन्म का कारण है, उसकी वजह से मैं आज परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाता हूँ, ताकि कोई शंका मेरे दिमाग में ना आ सके, पूरी तैयारी के साथ। अरे तू कहाँ उद्धार हुआ तेरा, कभी ऐसा डाउट आ सकता है? लेकिन उद्धार का टोप, जब भी वो जलते तीर मेरे दिमाग में घुसते हैं, उद्धार का टोप, जैसे हेलमेट होता है ना जब हम गाड़ी चलाते हैं, स्पेशली स्कूटर, तो ये लॉ है कि हम हेलमेट पहने, क्योंकि वो हमारी बचत के लिए है। अगर कहीं हमारा एक्सीडेंट होता है तो वो हमारी खोपड़ी को बचा सकता है। मेरा एक दोस्त है, मेरा प्रभु में भाई है, जो उसने वो हेलमेट पहना हुआ था, और कुछ ऐसा हुआ कि वो एक्सीडेंट उसका हुआ, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि वो दूसरे कार के शीशे की दीवार को तोड़ करके अंदर घुस गया। अगर वो हेलमेट नहीं पहना होता तो वो जिंदा नहीं रह सकता था। आज वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से आत्मिक रीति से हमारे जीवन में एक्सीडेंट हो सकते हैं, शैतान के जलते तीर आ सकते हैं। इसलिए उस उद्धार के टोप को याद करके कि मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूँ, बेटी हूँ, हम उस जलते तीरों को बुझा सकते हैं। और उसके बाद लिखा हुआ है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। अरे साहब, हम इस तलवार से उस शैतान को काट सकते हैं। हमें एक दूसरे को, मनुष्यों को नहीं काटना है, हमें एक दूसरे के साथ तो मेल करना है, लेकिन जहाँ आत्मिक जो शत्रु है, उसके जो ईविल फोर्सेस हैं, उसकी बात है, तो हमें वचन, परमेश्वर का वचन, उसको इस्तेमाल करना है, और उस वचन के द्वारा हम उस शैतान को गिरा सकते हैं। आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। कैसे हम परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल कर सकते हैं? वेल, पहली बात तो ये है, रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसका 1 और 2 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको और मुझको अपने मन को, अपने दिमाग को नया करते रहना है, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से। और ये नयापन कैसे आएगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। लिखा हुआ है भजन संहिता 119 और 9 और 11 में लिखा हुआ है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। देखिए, विशेष करके जो सबसे बड़ी बात जो हमारे दिमाग में आती है, जो कि शैतान हमारे दिमाग में लाना मांगता है, और वो है पहला यूहन्ना 2:15-16। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 से मैं पढ़ूंगा, जो हमारे दिमाग में लाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। और क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा, सर्वदा स्थिर रहेगा। और वो कैसे बन सकता है परमेश्वर की इच्छा पर चलता हुआ? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से,
याद करने से, उसको अपने दिमाग में रखने से परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। इसलिए लिखा हुआ है कुलूसियों और उसका तीसरा अध्याय, कुलूसियों उसका तीसरा अध्याय और 16 पद में लिखा हुआ है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु के यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा हमारे पिता का धन्यवाद करो। प्रियो, वचन, परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है, जब भी कोई बात दिमाग में आती है हम परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करें। लिखा है ये वचन, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, ऐसा लिखा है। उस वचन को आप शैतान के सामने रखें, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं उस टेम्पटेशन में नहीं गिरूँगा, यीशु मसीह के नाम में मैं तुझे धुतकारता हूँ, धुतकारती हूँ। इस प्रकार से हम वचन के द्वारा उस आत्मिक तलवार से उस शैतान को गिरा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी ऐसे ही हुआ, जब वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए आया तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद वचन इस्तेमाल किया। लिखा है मतलब वचन में लिखा हुआ है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उस पर मनन करिए और उसको याद भी करिए, ताकि जब दुष्ट हमारे पास आए तो हम उस वचन से उसको भगा सकें। सो परमेश्वर का वचन हम अपने दिमाग में रख लें, ये बहुत ज़रूरी है और हम सबों के लिए। आशा है कि आज के इस छोटे से डिवोशन के साथ कि हमारी जो आत्मिक युद्ध है वो शैतान के साथ है, और इसलिए इस आत्मिक युद्ध के लिए हमें उन घड़ों को ढाना है, उन विचारों को ढाना है, उन जो कल्पनाएं हमारे मन में आती है ढाना है, गिराना है, शैतान की हर युक्ति को असफल करना है। इसीलिए हमें आत्मिक हथियार पहनना है जो हमने अभी आपके सामने रखा, और आशा है कि आप इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और जब भी शैतान आता है अपने आत्मिक सेनाओं के साथ, हम पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा की तलवार लेकर के और सत्य की जूती, सत्य का कमर कसकर और जो उद्धार का टोप है और विश्वास की ढाल है, मेल के सुसमाचार पहन करके परमेश्वर के वचन के साथ हम लड़ सके और आत्मिक जीवन में हम स्थिर रह सकें। मेरी आशा है कि आपके मसीह जीवन में आप इसी प्रकार से लड़ते रहेंगे और विजयी होते जाएंगे। परमेश्वर आपकी इस आत्मिक लड़ाई में अनुग्रह करे, शांति दे। आमीन।